नमस्कार किसान दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। किसान दोस्तों, मैंने आपको कंपनी की वीडियो तो काफ़ी दिखाई है, लेकिन आज मैं आ चुका हूँ राजस्थान के खेतों में। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह ताऊ है और यह इस पावर टिलर से जुताई कर रहे हैं। और इधर आप देख सकते हैं, इन्होंने काफ़ी सारा खेत जोत भी चुके हैं। तो किसान दोस्तों, हम इनसे बात करते हैं कि यह पावर टिलर कैसा चल रहा है और किस कंपनी का पावर टिलर है और इन्होंने इस खेत में क्या बोया है, क्या कैसे जुताई कर रहे हैं। तो सभी के बारे में किसान दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो किसान दोस्तों, बने रहें वीडियो के अंत तक। नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैं आया हूँ इस टाइम राजस्थान, सड़क पर निकला जा रहा था तो मैंने आपको देखा कि आप इस पावर टिलर से जुताई कर रहे थे। और मैंने इधर किसान भाइयों को पहले भी दिखाया है कि देखिए किसान दोस्तों, इन ताऊ ने कितनी जुताई कर दी है, देख सकते हैं आप, और कैसी जुताई की है। तो पहले तो ये बताइए, कैसा जुताई करना है, आप कुछ बोया है या ऐसी जुताई करना है? नहीं, देखो जी, पहले से हमने इसे सूखे में जुताई की जी। उसके बाद में हमारे यहाँ बारिश पड़ गई जी, तो हमें इसे हम बुवाई कर रहे हैं जी। तो बुवाई कर रहे हैं, बुवाई करने के लिए लाए हैं हम। तो क्या बोया आपने, कुछ बीज सप्ला हुआ दिखाई दे रहा है? ज्वार, ज्वार बुवाई की है हमने। अच्छा, ज्वार बुवाई की है। तो यार, जैसे पावर टिलर चला रहे हैं आप, तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसान दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया, मैं कंपनियों में काफी वीडियो कर चुका हूं पावर टिलर के, लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल खेत से और किसान भाई का बिल्कुल असली रिव्यू दूंगा कि किसान भाई को चलाते हुए इस पावर टिलर को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही और कैसे चलाया जा रहा है। तो और इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि आपको इसे लिए हुए कितना समय हो गया? देखो, हमें इसको लिए भाई करीब ढाई महीना है। वो ढाई महीना हो गया, तो ढाई महीने से कोई दिक्कत तो नहीं आई इसमें? नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं आई सर। कोई दिक्कत नहीं आई? दिक्कत नहीं, बढ़िया चल रहा, बिल्कुल बढ़िया चल रहा। और जुताई कैसी करता है? जुताई टॉप करता है। देखो, आप देखो कैसी जुताई कर रहा है। ये गहराई होती है तो कितनी गहराई तक बैठ सकता है? देखो, गहराई इसकी लेके 5 से 6 इंच तक है। अच्छा, और आगे इसमें रोटरी जो लग रही है, तो आपने ये बताओ पहले, इस टाइम तो जो हम जमीन देख पा रहे हैं तो या तो कुछ गीली है, तो इसमें तो कोई ब्लेडो प्लेडो को खतरा नहीं? ना, कोई खतरा नहीं जी। लेकिन ये बताइए, आपने जैसे सूखी मिट्टी में भी चलाया है, नहीं चलाया? नहीं, सूखी मिट्टी में चलाया है। सूखी मिट्टी जुताई की है हमने इससे। जुताई की है बिल्कुल? हाँ, सूखी मिट्टी, बिल्कुल सूखी मिट्टी में जुताई की है। तो ब्लेड प्लेट तो नहीं हिले? प्लेस क्या कहते ब्लेड? नहीं, नहीं, कोई ब्लेड नहीं। बढ़िया चला, बिल्कुल बढ़िया चला है, कोई ना कोई अभी इसे घिसा इनमें जी। हमने करीब इससे 10-12 बीघे अपनी खुद की जमीन है। अच्छा, 10-12 बीघे हमने खुद ने जुताई की है इससे जी। और अब हम बुवाई करेंगे अपनी खेती की सारी की। अच्छा, इसी से बुवाई करेंगे हम। अच्छा, तो अब बात करते हैं हम, इसमें ऐसा होता है कि किसान भाई जो होता है, छोटा किसान भाई होता है, उसके पास जमीन होती है कम। हाँ जी। तो वो बड़ा ट्रैक्टर तो ले नहीं सकता? हाँ जी। तो क्या है, छोटे किसान भाई के लिए वरदान साबित हो सकता है? हाँ, बिल्कुल वरदान साबित हो सकता है। और छोटा किसान चाहता है कि मेरा खर्चा कम हो और काम ज्यादा से ज्यादा हो जाए? देखो, इसमें खर्चा है कि इसमें कंपनी ने तो हमको 700 ग्राम का दिया है। अच्छा, कंपनी ने जो आपको पावर टिलर बता के दिया है, एवरेज दिया है जी। पर हम मानते, देखो जुताई अपने हाथ है जी, इसी में हम 2 लीटर खबा सकते हैं जी, 1 लीटर खबा सकते हैं जी, 700 ग्राम खबा सकते हैं जी, सवा भी खबा सकते हैं, वो अपने पीछे। हाँ, जैसी जुताई हमारे हाथ में है जी, हम इसको ज्यादा गहराई लेंगे जी, अगर फिक्स हम पूरी 6 इंची लेंगे तो 1 लीटर ही लेगा, 1 लीटर तेल एक बीघे में। हमने भी घड़ी लगा रखी है जी। अब ये हमारा 1 बीघे का नंबर है जी, 1 बीघे का पूरा, और 1 बीघे के नंबर है। इसमें हमने 40 मिनट हमारी लगी हुई है। अच्छा, और लगभग में 40 मिनट में हमारे मात्र 2 फेरे रह गए जी। लगभग आप 5-5 मिनट रोल लगेंगे आपको? हाँ, तो सारा जुट जाएगा मुश्किल से 5 मिनट एक फेरा, या साढ़ में 3 फेरे बासाड़ में जी। तो फिर तो किसान भाई लगभग ज्यादा से ज्यादा टाइम 1 घंटे में 1 बीघा खेत आसानी से जोत सकता है? आराम से, ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूँ। बीच में आराम से पानी पत्ता पी सकता है, बीड़ी वगैरह पी सकता है, हुक्का वगैरह पी सकता है। अच्छा, आराम से 1 घंटे में 1 बीघा खेत आराम से निकाल सकता है। तो आपने पिया कुछ, रुके हो बीच उच में, या मतलब ऐसे ही लगातार? नहीं नहीं, देखो मेरी बात सुनो जी, मेरी उम्र 54-55-56 साल की हो चुकी जी, तो मैं तो अब बुजुर्ग हूँ जी। कोई अगर नया लौंडा हो या नया बच्चा हो जी, तो उसका
2 बीघे खेत की जुताई करके एक ही बार बैठेगा, वो रुकेगा नहीं। अच्छा, तो जैसे आपकी इतनी उम्र हो चुकी है और आप जब भी इस पावर टिलर से जुताई कर रहे हैं तो आपको ऐसा तो नहीं है आपका ज्यादा थक गए हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बिल्कुल। आप पर कोई इतना चलता है ये ऐसी चीज तो नहीं है, ला भगना पड़ता है जी। आराम आराम से हम मान के चलो, हम घूम मिल किसके या 2-2.5 घंटा जी। आजकल तुम जानते हो कि आदमी घूमता है तो अच्छी हेल्थ बनती है जी। अगर आलसी जीवे तो मान के चलो तो आलसी तो आलसी है जी। तो आपने अभी क्या कराया आप? मैंने देखा आप ये टाइट, मैंने ये देखो टाइट कराए जी। क्या हिसाब है इसका? अपनी हाइट के हिसाब से हम इसको ऊपर भी कर सकते हैं। अच्छा, इसका हैंडल जो है तो अपनी हाइट के अनुसार किसान भाई से एडजस्ट कर सकता है नीचे? अपनी हाइट के हिसाब से हम कहीं भी कर सकते हैं इसको। अच्छा, ऊपर भी कर सकता है किसान भाई और नीचे भी कर सकता है? नीचे भी कर सकते हैं हम इसको जी। देख सकते हैं किसान दोस्तों, इसमें काफी बढ़िया फीचर्स है कि आप इसमें अपनी हाइट के अनुसार ऊपर या नीचे कर सकते हैं। तो देखो जी, वैसे तो हमने आपसे बतरी बातें कर ली, लेकिन अब आप इस पावर टिलर के हमारे किसान दोस्तों को चलाकर दिखाइए कि कैसा चल रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे पहले स्टार्ट करिए और हमारे किसान दोस्तों के साथ चलाकर दिखाइए। देखो, हम बिल्कुल चलाएंगे इसको, स्टार्ट भी करेंगे। ये सेल्फ स्टार्ट है, सेल्फ स्टार्ट भी है जी। सेल्फ स्टार्ट है, 7.5 HP का ये जी। तो अभी ताऊ जो है इस पावर टिलर को स्टार्ट करेंगे और अभी हम आपको बिल्कुल पास से इस पावर टिलर को चलता हुआ भी दिखाएंगे कि कैसा चलेगा। देख सकते हैं किसान दोस्तों, बिल्कुल पहली बार में यह पावर टिलर स्टार्ट हो चुका है और अब हम आपको इसे चलता हुआ भी दिखाएंगे कि कैसी जुताई कर रहा है। किसान दोस्तों देख सकते हैं आप, ब्लेड देख सकते हैं किसान दोस्तों आप, इसके काफी बढ़िया क्वालिटी में ब्लेड है। अरे ताऊ जी, कोई ताकत ताकत तो नहीं लगानी पड़ रही? देखो अपने आप चलता है, देखो। अच्छा, अपने आप भी चल जाएगा? हाँ बिल्कुल, और ताकत बिल्कुल लगानी तो नहीं पड़ी? कभी झूठ फूट बोल रहे हो? नहीं, ताकत नहीं लग रही आपको बिल्कुल? तो किसान दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल ताऊ जी की इतनी उम्र भी हो चुकी और बिल्कुल आसानी से पावर टिलर को चला रहे हैं, बिल्कुल भी ताकत नहीं लगानी पड़ रही। तो किसान दोस्तों अब हम इसकी कुछ और जानकारी लेते हैं कि यह पावर टिलर कितने HP में है और इसकी रोटरी जो है वो कितने फीट में है। बात करते हैं इस पावर टिलर के HP में, तो इसका इंजन जो है वो कितने HP का है? ये भाई साहब 7.5 का है। 7.5 HP का है, बढ़िया काम कर रहा है बिल्कुल। बढ़िया काम कर रहा है। और ये नीचे हम रोटरी जो देख पा रहे हैं कितनी लंबी है? ये भाई साहब ये 4 फुट की रोटरी है। 4 फुट की रोटरी है, तो इसे 32 ब्लेड है इसमें। 32 ब्लेड है, तो इसमें किसान भाई अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे छोटा या बड़ा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, अगर 18 इंच करना चाहे 18 इंच कर सकता है जी, या बड़े बड़े करना चाहता है बड़ा कर सकता है। इससे जो अब 4 फीट में इससे बड़ा नहीं होगा। अच्छा, बड़ा होगा तो फिर मशीन दबेगी जी। भाई मान के चलो हम 50 किलो वजन ले जा रहे हो, हम पे 60 किलो वजन धर दिया, हम नहीं ले जा सकते जी। तो इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हो जी। तो हम बात करते हैं, जैसे कि आपने पहले बताया था कि सेल्फ स्टार्ट भी है, तो कंपनी ने इसमें बैटरी वोटरी दी है? हाँ, या आपको दी है। लगानी पड़ी अपनी? नहीं, बैटरी कंपनी से मिली है। तो यह वाली बैटरी किसान दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी की तरफ से मिली है, कंपनी की तरफ से तो ये मिली है, कंपनी तरफ से सेट आई है, लगी हुई आई है, लगी हुई आई है। ये पावर टिलर आप लेकर आए थे, इसमें ऐसी लगी हुई आई है? ऐसी लगी हुई आई। तो हम बात करते हैं इसकी कुछ गारंटी या वारंटी के बारे में, तो कंपनी वालों ने आपको इसकी कुछ गारंटी या वारंटी दी है या नहीं दी है? नहीं, गारंटी दी है 1 साल की। 1 साल की गारंटी? 1 साल की गारंटी। अच्छा, तो उसके अंदर कोई भी पार्ट्स खराब हो जाता है? कोई भी पार्ट्स खराब हो जाएगा कंपनी वाले घर पे आएंगे, अगर नजदीक है तो, और अगर दूर है तो मशीन को ले जा सकते हैं। अगर कोई पार्ट्स खराब हो जाए जी, तो उस कंपनी वाले ने बोला है कि हमारे लिए वीडियो कॉल करें जी। कोई भी पार्ट्स खराब हो जाता है जी, तो उसको मोबाइल से वीडियो डाले, मैं तो मोबाइल चलाना जानता नहीं जी, कि मैं डाल सकता हूँ और क्या वो कुछ कर सकता हूँ जी। बच्चे मोबाइल चलाना जानते हैं, बच्चे कर सकते हैं। रही बात है ये चीज है जी, हम इसको तोड़ के ले जाएंगे, कंपनी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, ऊपर जो इसमें पाड़ी लगी हुई है, तो अगर ये टूट जाती है इसमें कोई गारंटी नहीं है? कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, अगर ये
मदघाटे टूट जाता है, कंपनी क्या गारंटी है जी? इंजन संबंधी कोई बात बन जाता है उसकी कंपनी की गारंटी है। अच्छा हाँ जी, नहीं, हमने वैसी बातें तो बतेरी कर ली इस पावर टिलर के बारे में, लेकिन यह बताइए कि आपने यह कहाँ से लिया और किस कंपनी का? क्योंकि किसान भाई ज्यादातर ऐसा कहता है कि पावर टिलर ले गया कि वह परेशान ही रहता है कि ये दिक्कत है इसमें, वो दिक्कत है, तो आपको कहाँ से मिल गई इतनी बढ़िया कंपनी? देखो सर, बात ये कि नदवई तहसील जिला भरतपुर जी राजस्थान जी, ये किसान कंपनी से खरीदा है। अच्छा, किसान एग्रो इंडस्ट्री, देख सकते हैं किसान दोस्तों आप, यहाँ पर चिट भी लग रही है, किसान पावर कंपनी का यह पावर टिलर है और 7.5 HP में है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ से लिया आपने, नदवई से? नदवई से लिया है। अच्छा, और जैसा कंपनी वालों का व्यवहार कैसा है और बताइए? देखो कंपनी वाले का व्यवहार ये, पहले नंबर तो मैं खुद सही हूँ तो कंपनी वाले सही हैं जी। अगर मैं कोई भी कारण कंपनी वालों से झूठ बोलूं जी, तो देखो खामा खा कंपनी वाले क्यों सताए जाए जी। नगद कैश में इसको लाए हूँ 52,000 रुपए। अच्छा, कंपनी वाले ने मेरा सम्मान किया है जी, 51,000 रुपए में मैं किया है। अच्छा, मतलब 1,000 रुपए की आपको छूट कर दी? 1,000 रुपए की मेरे लिए छूट मिली है। अच्छा, हाँ जी। और जैसे कि इसमें कुछ पीछे अटैचमेंट है, कुछ मिला? हाँ, अटैचमेंट है, पीछे भी अटैचमेंट है जी। ये तो अटैचमेंट मिली है पहले तो आपको? भैया वो सपरास हो, वो है, वो नाम तो मैं जानू ना। अच्छा, और रेजर टाइप जो होता है? एक मांझो सदी हो, एक कोने कुचारन बराबर के कल्टीवेटर होगा, और कल्टीवेटर जी, मतलब ये तीन चीजें में तो भैया मैं तो वो लेकर आयो हर तीन। अच्छा, दो चीजें लेकर आयो आप? नहीं, एक चीज। अच्छा, एक चीज लेकर आयो। हाँ, तो एक चीज दे रहे हैं, तो आपको इतनी कीमत में ये पावर टिलर तो मिला ही है? हाँ जी। और इसमें आगे दो पहिए तो लगे हुए होते हैं? दो पहिए लगे हुए। आपको रोटरी मिली है और आपको एक अटैचमेंट भी मिली है, तो आप ये बताइए सबसे पहले तो यह जरूरी बात है कि खुश हो आप इस पावर टिलर को लेकर? संतुष्ट हो पूरे? बिल्कुल। कंपनी की तरफ से भी? कंपनी की तरफ से। अरे कंपनी से जब खुश होऊंगा पहले इससे खुश होऊंगा, इससे। अच्छा, इससे खुश हो पूरे? हाँ। बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है? हाँ, बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है भाई। ये तो आपके चेहरे से लग रहा है कि आप इस पावर टिलर से काफी खुश हो। नहीं, लग रहा है इस पावर टेलर से खुश हूँ। हाँ, मैं भी। ये मेरा साथ ही है जी। मैं लग रहा है आपने काफी रुपया बचा दिया, ठीक है इस पावर टेलर से। मैंने किसान पदों में जी, मैंने ट्रैक्टर से काम करवाया जी, मैंने करीब 35-36 हजार रुपए दिए, मेरे पास ट्रैक्टर था जी, तो मैंने सोची, मैंने कहा एक पावर टिलर ले लूं, मैंने कहा मैं भी कछु चलता घूमता रहूं, अच्छी हेल्थ बनी रहेगी जी, इसके बजाय पावर टिलर मैंने मेरी शौक के लिए। ओहो, आप समझ गया मैं। हाँ, तो जब इतने खुश हो, एक तो हेल्थ भी बन रही है, मेरी शौक के लिए खरीदा है, मेरी हेल्प बन रही है इससे। अच्छा, मेरा जीवन साथी है जी। तो जब इतने खुश हो, पैसे का पैसा बचा रहा हो, पैसे का पैसा बचा रहा हूँ, इससे मैं मेरा संचालन चल रहा है। अच्छा, अब जुदाई की जुदाई हो रही है, काम का काम हो रहा है, हेल्थ बन रही है, पैसे का पैसा बच रहा है। किसान दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको इस पावर टिलर के बारे में, जो कि है 7.5 HP का, और आगे आप इसमें देख सकते हैं 8 LED लाइट भी लगी हुई है, जिससे कि किसान भाई रात में भी काम कर सकता है, इसके बारे में किसान भाई से पूरी जानकारी आपको दिलाई गई है। और किसान भाई का आपने रिव्यू सुना, कितना खुश है इस पावर टिलर को लेकर। तो किसान दोस्तों, ऐसी वीडियो और देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो किसान दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं और एक शानदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।